أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आज हम डिस्कस करने लगे हैं जो BSO बैच का टेस्ट हुआ था, कुछ लोगों का 13 मार्च को हुआ था और कुछ इससे पहले हुआ था और मुख्तलिफ रीजन में मुख्तलिफ डेट्स में ये टेस्ट हुए थे। तो आज हम इस पर डिस्कस करने लगे हैं कि इसकी रिज़ल्ट कब आएगा। अभी तक बहुत सारे लोग पूछे जा रहे हैं और एक न्यूज़ सामने आई है, वो मैं सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। अभी प्रोसेस ये है कि कुछ रीजन जैसे कि कराची है, वहाँ पे कुछ लोगों के इंटरव्यू कंडक्ट हुए हैं, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल्स आई हैं। बाकी पंजाब सारा और KP और इसके अलावा सिंध, दूसरे सिंध का बाकी एरिया जो है, बलूचिस्तान के एरिया है, वहाँ पे अभी जो है टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए कॉल्स मोस्ट रीजन में नहीं गई। एक तो बैंक ने रीस्ट्रक्चरिंग की थी, रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से, रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये था कि बहुत सारे एरियाज इंक्रीज़ कर दिए हैं और बहुत सारे रीजन भी इंक्रीज़ कर दिए हैं। अब निज़ाम बैंक के माशाल्लाह से 17 रीजन बन चुके हैं और 80 एरिया बन चुके हैं, पहले 14 रीजन और 54 एरिया थे। तो अब जो कि एरिया इंक्रीज़ हुआ है, तो एरियाज इंक्रीज़ होने की वजह से लोगों की डिमांड भी इंक्रीज़ हुई है। तो अब बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है कि जिन लोगों ने टेस्ट दिया था उन सारे लोगों को, उनमें से मोस्टली जो लोग हैं उसमें इंगेज होने का चांसेस हैं, उनको इंडक्ट करने का चांसेस हैं। इसलिए इस पर अभी रीथिंक किया जा रहा है, दोबारा इस पर सोचा जा रहा है कि कितने लोग हैं और कितने लोगों को अभी हम अकोमोडेट करें। अब होने ये जा रहा है कि बहुत सारे लोग इस तरह हैं कि जिनका हमने डिस्कस किया था पहले भी कि ये फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल जो है इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब क्योंकि साथ में एक और एक्टिविटी शुरू हो गई है जो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल की एक्टिविटी थी, जो मिज़ान बैंक की जो अप्रैल में स्टार्ट होती है और अप्रैल के एंड में जाके परफॉर्मेंस अप्रेजल जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनकी अप्रेजल की हो रही है, तो उसकी वजह से ये काम जो है डिले हो चुका है। अब जो है इसका अभी तक बहुत सारे रीजन में इसके टेस्ट भी चेक नहीं हुए, कुछ में कुछ हद तक टेस्ट पर काम हो चुका है, कुछ जो है अभी टेस्ट जो है वो चेकिंग के प्रोसेस में है, अभी चेक टेस्ट जो है टेस्ट जो है अभी चेक नहीं हुआ है। तो जहाँ जहाँ चेक हो चुके हैं उनको भी होल्ड किया हुआ है, उनका भी रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया जा रहा और लोगों को बताया नहीं जा रहा और ना ही कॉल की जा रही हैं। अब होप तो ये होगा कि ये जैसे ही ये एक्टिविटी एंड होगी हमारी परफॉर्मेंस अप्रेजल की, ईद के बाद से ये जो है लोगों को इंटरव्यूज़ के लिए कॉल आना शुरू हो जाएंगी। अभी जो है हमारे रीजन से भी डाटा नहीं कलेक्ट किया जा रहा, किसी भी रीजन से डाटा कलेक्ट नहीं किया HR ने कि कितने कितने लोगों को हमें रखना है, कहाँ कहाँ वो करना है, कितनी सीट्स स्लॉट्स जो हैं वेकेंट हैं। क्योंकि अब एरियाज इंक्रीज़ होने की वजह से, ब्रांचेज नेटवर्क इंक्रीज़ होने की वजह से बहुत सारी जो हैं, जहाँ पे पहले 35 का मैंने एक एस्टीमेट था जो HR की तरफ से था, अब वो बढ़ के तकरीबन हर रीजन में 50, 60, 70 तक ये चला गया है। तो बहुत सारे लोग जो हैं अब उसमें ज़्यादा जो हैं वो इंगेज हो जाएंगे। तो अब ये डेट यही आ रही है कि जो ईद के बाद इंशाल्लाह इसके ऊपर जो टेस्ट हैं वो चेक हो चुके होंगे या जहाँ पे चेक हो रहे होंगे तो वो कंप्लीट करके ईद के बाद लोगों के इंटरव्यूज़ के लिए कॉल जाएंगी और उसके बाद लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी और उसके बाद इंडक्ट किया जाएगा बैंक में जॉब के लिए। तो फिलहाल यही न्यूज़ है कि अभी जो जिन लोगों ने अपना वो रखा हुआ है, जिनको वेट है, तो अपना वेट जारी रखें। अभी बैंक की तरफ से डिसीजन जो है वो पेंडिंग हो चुका है और एक मंथ तकरीबन इस पर लगेगा। अप्रैल जो है ये मोस्टली परफॉर्मेंस अप्रेजल पर निकल जाएगा, इसलिए टेस्ट वाली एक्टिविटी जो है या बैच की एक्टिविटी वो अभी तक स्टार्ट नहीं हो पा रही। अभी ये न्यूज़ है, इसके बारे में अगर मजीद कोई न्यूज़ आई, कोई अपडेट आई तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। जो गुड न्यूज़ आपको बताई है वो यही है कि रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से बहुत ज़्यादा लोग अब इंशाल्लाह इसमें इंडक्ट होंगे। जो मेरिट है जो मैंने आपको पहले बताया था, मेरिट भी रीजन वाइज बनेगा, एरिया वाइज बनेगा, ब्रांच वाइज बनेगा। और एक चीज़ ये है कि जो इंटरव्यू होता है वहाँ पर लोग ब्लाइंड बैठे होते हैं, वो नहीं देखते कि ये किस एरिया के लिए इंटरव्यू हो रहा है। वहाँ पे रिक्वजिशन दी जाती है टेस्ट में कि ये 50 लोग हैं, ये 50 लोग पास कर चुके हैं, इस 50 लोग में से आपने हमें 30 सिलेक्ट करके देने हैं। अब वो 30 जो सिलेक्ट होने हैं उन 30 का कोई ये कंसर्न नहीं होगा कि ये मुल्तान से है या ये इस्लामाबाद से है, ऐसा कुछ नहीं होगा। उस रीजन में जो टेस्ट हो रहा होगा, उस रीजन में जो इंटरव्यू हो रहा होगा, उस रीजन वाले ने अब मुल्तान वाले को साहिवाल भेजने के लिए, अगर साहिवाल का बंदा है और मुल्तान में इंटरव्यू हो रहा है तो ऐन मुमकिन है मुल्तान के 5 लोग सेलेक्ट हो जाएं और साहिवाल वाला 1 हो, और अगर ये भी हो सकता है कि वाइस वर्सा हो, जो खानेवाल के 5 हो जाएं और साहिवाल के 6 हो जाएं और मुल्तान का 1 हो। तो ये यहाँ पे मेरिट वाइज होगा, अब ये नहीं होगा कि यहाँ पे भी कोई नेपोटिज्म चलेगा। तो यहाँ पे प्योर मेरिट होगा, जो टेस्ट है वो भी मेरिट होगा,
इस फैक्टर को ज़रूर कंसिडर किया जाएगा कि जो लोग जहाँ पे जिस ज्योग्राफी के हैं वहाँ पे उसको पोस्ट करने के लिए सीट्स कितनी हैं, ताकि उसका क्वेश्चन क्रिएट किया जाए। जज़ाकअल्लाह खैरा।